तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A71 स्मार्टफोन की। दोस्तों सैमसंग ने हाल ही में अपने दो नए स्मार्टफोन को अनाउंस किया है, जहां हमें सैमसंग गैलेक्सी A51 स्मार्टफोन मिलता है और A71 स्मार्टफोन मिलते हैं। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A71 स्मार्टफोन पर हमें सेंटर पंच होल डिस्प्ले मिलेगी, 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा, स्नैपड्रैगन 735 का पावरफुल चिपसेट मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा गैलेक्सी A71 स्मार्टफोन के बारे में, बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में किस प्राइस में और कब तक लॉन्च किया जाएगा। तो अगर दोस्तों आप सबको जानने के लिए इंटरेस्टिंग हो तो बिना स्किप के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपके वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं मोबाइल फोन की डिस्प्ले से। तो गैलेक्सी A71 स्मार्टफोन पर हमें 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलेगी, जहां दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें सेंटर पंच होल डिस्प्ले और एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों मोबाइल फोन की डिस्प्ले एक बेहतरीन डिस्प्ले रहने वाली है। वहीं दोस्तों अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन एक पावरफुल SoC के साथ आएगा, जो अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। जहां दोस्तों हमें मोबाइल फोन पर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 735 का पावरफुल SoC मिलेगा। अगर हम रैम वेरिएंट्स की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें दो रैम वेरिएंट्स में देखने को मिल सकता है, जहां शुरुआती वेरिएंट हमें 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ मिलेगा, सेकंड वेरिएंट हमें 8GB रैम प्लस 256 इंटरनल स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें अच्छे रैम वेरिएंट्स भी देखने को मिलते हैं। अगर हम कैमरास की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन के रियर साइड पर हमें L टाइप में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा, जो मेन कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का होगा, जहां हमें सैमसंग का खुद का सेंसर मिलेगा। सेकेंडरी कैमरा होगा 12 मेगापिक्सल का, जो एक वाइड एंगल सेंसर है। थर्ड सेंसर हमें 12 मेगापिक्सल का मिलेगा, जो एक टेलीफोटो लेंस होगा। वो फोर्थ सेंसर हमें TOF सेंसर देखने को मिल जाएगा। सेल्फी की बात करें दोस्तों पंच होल डिस्प्ले के अंदर हमें गैलेक्सी A71 स्मार्टफोन पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। ओवरऑल दोस्तों मोबाइल फोन के रियर और फ्रंट साइड पर हमें दोनों तरफ बेहतरीन कैमरे देखने को मिलते हैं, जिससे हम एक अच्छी पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बैटरी की बात करें दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, जहां दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें फास्ट चार्जिंग और टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम एंड्रॉइड वर्जन और UI की बात करें दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिलेगा, जहां दोस्तों हमें One UI 2.0 भी देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी के लिए दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन, जो एक अच्छी स्पेसिफिकेशन है। अगर हम मोबाइल फोन के प्राइस और लॉन्च डेट की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन करीब 25,000 रुपये के प्राइस रेंज में लॉन्च किया जा सकता है, जहां हमें स्नैपड्रैगन 735 का पावरफुल SoC मिलेगा, पंच होल डिस्प्ले मिलेगी, सुपर AMOLED पैनल और 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा। अगर हम दोस्तों लॉन्च डेट की बात करें दोस्तों बताया जा रहा है कि लीक्स और रूमर्स की माने तो ये स्मार्टफोन हमें दिसंबर मंथ में देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली देखते हैं कि ये स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में कब और किस प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरी पूरी आशा है कि आपके ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब